जय हिंद दोस्तों, आज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमारा टॉपिक क्या है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को आपको हम यहाँ पे दिखाएंगे कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। अभी तक मैंने दो वीडियो बना दिए हैं पृथ्वी पर, और मैंने जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं पृथ्वी पर बना है, और ब्रह्मांड पर बना, और ठंडी जलधाराएं कितनी होती हैं उस पर मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, CDS, NDA और एयरफोर्स, इंडियन नेवी, बैंकिंग, रेलवे, NTPC, किसी भी तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर ज्योग्राफी पूछी जाती है तो ज्योग्राफी के मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर कर दिया है। तो अगर आज हमारा क्या टॉपिक है? आज हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सबको मैंने अलग तरीके से छाँट कर लिख लिया है, उन्हें आप पढ़ेंगे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? मेरा पहला क्वेश्चन है ज्वालामुखी क्या है। तो ज्वालामुखी जब पदार्थ का पिघला हुआ पदार्थ लावा राग बाद जलवाष्प ठोस पदार्थ तथा अन्य जैसे गैसें किसी छिद्र या दरार से निकलती हैं तो ज्वालामुखी कहते हैं। ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? 80 से 90%, 80 से 90%, 80 से 90% जलवाष्प की मात्रा होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा कौन सी गैसें होती हैं? तो ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा कौन सी गैसें होती हैं? कौन सी होती हैं? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एक हाइड्रोजन होती है, एक नाइट्रोजन होती है। ये जलवाष्प के अलावा ये हमारी गैसें होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा है धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लावा। जैसे कि ये हमारी अर्थ है, यहाँ से हमारा कोई ज्वालामुखी यहाँ से निकला तो जब जब भी ज्वालामुखी का जो ये लिक्विड यहाँ पे होगा तो उसको क्या कहेंगे? मैग्मा कहेंगे। जब यही लिक्विड बाहर आ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? इसी बाहर यहाँ आ गया, ऐसे बाहर छिटक के ये ऐसे बाहर आ गया, ज्वालामुखी फूट गया। तो यहाँ पे जो फैलेगा तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लोग लावा कहेंगे। क्या कहेंगे? लावा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिंडर किसे कहते हैं? तो सिंडर किसे कहेंगे हम लोग? सिंडर किसे कहेंगे? हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर ठोस टुकड़ों में बदल जाता है तो उसे सिंडर कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर ठोस टुकड़ों में बदल जाता है तो उसे सिंडर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। एक हमारा सक्रिय ज्वालामुखी, एक हमारा प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा हमारा है मृत या शांत ज्वालामुखी। ये हमारे तीन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा सक्रिय ज्वालामुखी का क्या अर्थ है? सक्रिय ज्वालामुखी का क्या अर्थ है? ये पूछा उन्होंने सक्रिय ज्वालामुखी का क्या अर्थ है? ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से हमेशा धूल धुआं या वाष्प गैस राख लावा आदि पदार्थ निकलते रहते हैं। मतलब कि वो हमेशा परमानेंट ये चीज़ें निकलती रहती हैं, धुआं, धूल, वाष्प गैस राख लावा ये पदार्थ हमेशा निकलते रहेंगे तो वो कैसा होता? सक्रिय ज्वालामुखी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है? तो कितनी है वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 500 से ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। 500 से ज़्यादा
सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कौन सा है? हवाई द्वीप का किलायू। हवाई द्वीप का किलायू कहाँ पे स्थित है? ये हमारा प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये हमारा? प्रशांत महासागर में स्थित है। जो ये अमेरिका है ना, इधर साइड के आए हवाई द्वीप, इधर साइड हवाई द्वीप, ये अमेरिका बना है, ये ओपन अमेरिका है, इधर साइड अमेरिका जो आइसलैंड है उसके बगल में यहाँ पे ये हवाई द्वीप का किलायू है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस जगह स्थित है? ये देखो सक्रिय वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इंडिया से क्वेश्चन कुछ पूछा जा सकता है तो ये हमारा क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है कि बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है। और बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। वो कहाँ पे स्थित है? वो हमारा अंडमान में स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? प्रसुप्त मतलब आप लोग समझ गए, प्रसुप्त मतलब ढीला, सुस्त मतलब एकदम सुस्त टाइप का। तो कैसा हो जाएगा? ऐसे ज्वालामुखी जिसमें लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी ये सक्रिय हो सकता है। ये हमारे प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं। कौन से ज्वालामुखी हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं। ये कौन से हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंडमान निकोबार का नारकोंडम द्वीप कौन सा ज्वालामुखी है? जो अंडमान का जो हमारा जो ज्वालामुखी है नारकोंडम, वो किस प्रकार का ज्वालामुखी, वो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कैसा है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो इसका आंसर सही क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रसुप्त ज्वालामुखी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मृत या शांत ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ऐसे ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ हो और ना ही दोबारा सक्रिय होने की संभावना नजर आती है। जिसे ऐसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ हो और ना ही दोबारा सक्रिय होने की संभावना नजर आती है, ये हमारा क्या हो जाए? मृत एवं शांत ज्वालामुखी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांश कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर के तटीय भाग में। प्रशांत महासागर के तटीय भाग में वहीं पर कौन सा पाया जाता है? हवाई द्वीप। कौन सा? हवाई द्वीप में कौन सा ज्वालामुखी है? किलायू। कौन सा है? कि लायु ज्वालामुखी है। कौन सा? किलायु ज्वालामुखी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अग्निवलय किसे कहते हैं? अग्निवलय किसे कहते हैं? तो अग्निवलय किसे कहते हैं? प्रशांत महासागर के परिमेखला को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किन महादेशों के तटीय भागों में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो कौन से हैं हमारे वो देश? अमेरिका और एशिया। जो महादेश हैं वो कौन से? अमेरिका और एशिया के तटीय भागों में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन से महाद्वीप में से एक भी ज्वालामुखी नहीं है? कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है? वो हमारा है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस चट्टानों के टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? पायरोक्लास्ट। क्या कहता है? पायरोक्लास्ट कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चने के दाने के समान छोटे खंड क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? स्कोरिया। क्या कहलाते हैं? स्कोरिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लावा के झाग से बने हल्के और छिद्र युक्त शिलाखंड क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? प्यूमिस। क्या कहलाते हैं? प्यूमिस। प्यूमिस कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धूल कणों और राख के संगठित टुकड़े
क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? टफ। ये क्वेश्चन आप लोगों को सभी याद रखने हैं। एक मैंने बताया प्यूमिस, एक क्लोरोक्लास्ट, एक टफ। ये आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार मैं इनको नज़दीक से आपको एक साथ दिखा दे रहा हूँ, इनको क्या कहते हैं, ये देखिए एक साथ हो गए। तो देख लीजिए, पहले पहला जो प्रश्न है हमारा, चने के दाने के समान छोटे खंड क्या कहलाते हैं? स्कोरिया कहलाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तैयार हो जाए। लावा के झाग से बने हल्के और छिद्र युक्त शिला खंड क्या कहलाते हैं? प्यूमिस कहलाते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धूल के कणों और राख के संगठित टुकड़े क्या कहलाते हैं? टफ कहलाते हैं, ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। ये तीन, एक क्वेश्चन लास्ट वाला और है, ये स्कोरिया के संगठित कोणीय टुकड़े क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? ब्रेसिया, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चार हमारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आकृति से उनके क्वेश्चन बनते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको रट जाने चाहिए। अगर आप चाहें इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पक्का फंस सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे होता है? तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी क्षेत्र के चारों तरफ लावा के अधिक मात्रा में जमाव होने पर ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाता है। जैसे कि ज्वालामुखी है, लगातार कोई इससे लावा निकलता रहे, तो यहाँ पे लगाते हैं ऊंची चट्टान बनती जाएगी और एक दिन पर्वत का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा है, कैलडेरा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कैलडेरा किसे कहा जाता है? पुराने ज्वालामुखी के ऊपरी सिरे पर बने क्रेटर को कैलडेरा कहा जाता है। पुराने ज्वालामुखी के ऊपरी सिरे पर बने क्रेटर को क्या कहा जाता है? कैलडेरा कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किन पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में। इसके बाद अगला प्रश्न मेरा है, फोसा मैग्ना क्या है? फोसा मैग्ना क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोसा मैग्ना क्या है? फोसा मैग्ना क्या है? ज्वालामुखी पर्वत की श्रृंखला, ज्वालामुखी पर्वत की श्रृंखला फोसा मैग्ना कहलाती है। जैसे कि एक ज्वालामुखी पर्वत का ये है, एक ज्वालामुखी पर्वत ये, एक ज्वालामुखी पर्वत ये है, ये तो उनकी जो श्रृंखलाएं बन जाती हैं, इनके समूह को क्या कहते हैं? फोसा मैग्ना कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। कौन सा ज्वालामुखी? एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एल मिष्टी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एल मिष्टी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है? पेरू में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पेरू में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला कौन सा देश है? कौन सा देश है हमारा? फिलीपाइंस द्वीप समूह, फिलीपाइंस द्वीप समूह। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश कौन सा है? कौन सा देश है? फिलीपाइंस द्वीप समूह, ये हमारे जो समूह है कौन सा है? फिलीपाइंस द्वीप समूह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गैसर का संबंध किससे है? गैसर गर्म जल स्रोत है, इसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, धुआं आश्रय क्या है? धुआं आश्रय क्या है? ऐसे क्षेत्र जिसके सारे गैस तथा वाष्प निकला करती है, मतलब कि जो ऐसा क्षेत्र है जिसके सारे गैस तथा वाष्प निकला करती है, तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोल्प तारा का क्या मतलब है? शोल्प तारा का क्या मतलब है? ऐसे दुहारे जिनसे अधिक मात्रा में गंधक का धुआं निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं? शोल्प तारा कहते हैं। देखो, शोल्प किसका गंधक होता है, क्या होता है? सल्फर, और शोल्प भी यस से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ऐसे आप याद रख सकते हैं, शोल्प तारा क्या है?
ऐसे धुआरे जिन ऐसे ऐसे क्षेत्र धुआरे जिनसे सल्फर धुआं निकलता रहता है, उसे को क्या कहते हैं? शोल पितारा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अलास्का की 10 सहस्त्र धूम घाटी का संबंध किससे है? धुआरों से, किससे है? धुआरों से। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोल्डेरा का क्या अर्थ है? तो कोल्डेरा का क्या अर्थ है? इसका निर्माण क्रेटर के धसाव या ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्भेदन से होता है, उद्भेदन से होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जापान का आसो का संबंध किससे है? किससे है? कोल्डेरा से। कोल्डेरा हम लोग इंडिया में लोग कहते रहते हैं और अदर कंट्री में भी कहते हैं, और जापान में कोल्डेरा को क्या कहते हैं? आसो। क्या कहते हैं? आसो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कौन सा है? कोटोपैक्सी। कौन सा है? कोटोपैक्सी। कहाँ पे पाया जाता है? इक्वाडोर। इक्वाडोर में एक कंट्री है, इक्वाडोर। ये कंट्री कौन सा मेरा है? इक्वाडोर है, जो कि जहाँ पे एक कोटोपैक्सी नाम का ज्वालामुखी पर्वत पाया जाता है, जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है? कौन सा? हमारा ओजस डेल सलाडो। ये हमारा ज्वालामुखी विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा? ओजस डेल सलाडो। ये हमारा ज्वालामुखी ऐसा है जो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ओजस डेल सलाडो कहाँ पर स्थित है? कहाँ पे स्थित है? एंडीज पर्वतमाला पर। कहाँ पे? एंडीज पर्वतमाला पर। ये कहाँ पे पाया जाता है? अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर ये एंडीज पर्वत पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? कौन सा है? एकांक गुआ। एंडीज पर्वतमाला पर। एंडीज पर्वतमाला पर। एंडीज पर्वतमाला पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पेले के बाल का संबंध किससे है? तो पेले के बाल का संबंध किससे है? हवाई तुल्य ज्वालामुखी से। हवाई तुल्य ज्वालामुखी से। आज ज्वालामुखी से आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल के समान होती है? तो किसकी? कौन सी होगी? वल्केनियन। कौन सी? वल्केनियन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल के समान होती है या फूल जैसी होती है? तो कौन सी होगी? वल्केनियन। वल्केनियन ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। ये ज्वालामुखी से मैंने लगभग 43 क्वेश्चन करा दिए आपको, जो कि वन लीनियर क्वेश्चन थे। अगर आपको अच्छे लगे हो तो दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर भी करें और लाइक भी करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले दिन हमारा कौन सा टॉपिक होगा? जो अगले दिन हमारा जलवायु से टॉपिक होगा। किससे होगा? जलवायु से। जितने प्रश्न बनेंगे वो आपको हम सारे कंप्लीट कराएंगे। और आज हमने किस पर टॉपिक कवर किया है? आज हमने टॉपिक कवर किया है ज्वालामुखी से। आज मैंने ज्वालामुखी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सभी कवर करा दिए, और जो बचेंगे मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये आपके ज्वालामुखी के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।